खेलो फिर मैं बोली खेलो फिर आप सब कैसे हो फिर। और फिर मैं बोली आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना के भारत में कितने केसेस मिले। भारत में भी 50 अभी 50,000 केसेस भारत में मिले। ऑलरेडी भारत में 50,000 केसेस मिले, मतलब 50,000 केस भारत में मिले, वो भी पॉजिटिव पेशेंट भारत में 50,000। और फिर और के भारत में 50,000 पैसे मिले। तो फिर अभी क्या है कि भी और क्या कि अगर अपन लॉकडाउन तो अगर अपन पालन नहीं करेंगे तो ये केसेस बढ़ के 1 लाख तक पहुंच सकते हैं या 50 लाख तक के केसेस पहुंच सकते हैं अगर अपन लॉकडाउन का अगर अपन पालन नहीं करेंगे तो। अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं तो 50,000 से एक भी केस नहीं बनना चाहिए। ऐसी नीति हमें होनी चाहिए। और फ्रेंड्स क्या है कि हम क्या है कि देखिए अभी क्या है कि अभी लॉकडाउन का पालन नहीं, और कभी 17 मई को शायद लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ऐसे न्यूज़ आ रही है। हाँ मैं नहीं आ रही है। और फिर मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि 17 मई को लॉकडाउन क्यों नहीं खुलेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ठीक है मैं कल ही बना लूँगा। मैं सर हाँ मैं कल ही बना लूँगा वीडियो। चलो मैं वो कल मैं बना लूँगा इस 17 मई को लॉकडाउन क्यों नहीं खुलेगा। और आपको बता दूँ 17 मई को लॉकडाउन क्यों नहीं खुलेगा इस वीडियो को अगर आपको जानना है तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो में अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत देख पाओ। और फिर उसमें सर और फिर मैं कल पैसे बताऊंगा कि आखिर हम कैसे बताएंगे कि उसमें मैंने आपको लॉकडाउन का पालन करते के साथ आपको कुछ और अच्छा क्या करना चाहिए कि केसेस ना मिले। इसके लिए हमें कुछ और अच्छा क्या करना चाहिए इसके लिए इसके मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चलेगा कि आगे कुछ अच्छे न्यूज़ और अच्छे ट्रिक्स हम बताएंगे कोरोना से संबंधित क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर ठीक है मैं इसलिए वीडियो को भी अभी के अभी लाइक करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें, अभी के अभी कमेंट करें। और बेटिया फिर आप बाद में भूल जाओ फिर देखिए, ठीक है। और फिर क्या देखिए फिर चलो फिर क्या चलो वीडियो कल बनेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या कि भार की हमें कोरोना के से ज़्यादा मिले तो फिर अभी कोरोना के से ज़्यादा क्यों मिले, कोरोना के साथ आखिर बढ़ क्यों रहे, कम क्यों हो रहे। हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कुछ सेट लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन पालन हो रहा है उसकी वजह से भी केसेस, क्या कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। क्या मरा है, क्या हम लॉकडाउन का पालन नहीं करना हमें, कि हमें मना ही है। आपने सोचा है क्या जा रहा है, 1 महीना 1 महीना चलो 10 दिन भी अगर आप घर में अगर आराम से ड्रेस तो क्या जा रहा है, क्या घर में क्या वो घर आपका जेल है, क्या जेल है क्या आपका घर। पूछो उनमें कह देखो जो वो 24 घंटे जेल में रहते हैं उनकी क्या हालत हो रही, पूछे ना उनको क्या हालत हो रही आपके। तो क्या है आपके तो बस घर में आपको सुविधा मिली, खाने पीने खान पान की अच्छा आपको सुविधा मिली, घर में आपको दे दी गवर्नमेंट ने, बोली इतने से हेल्पलाइन नंबर इतने से हेल्पलाइन नंबर आपको दिए, इतने हेल्पलाइन नंबर आपको दिए और आप है कि उनका पालन नहीं कर रहे हो, नहीं बस सिर्फ अपनी चला रहे हो। मैं कल ही अपने सारे में जिन गवर्नमेंट के जितने भी हेल्पलाइन नंबर है मैं सारे अपने चैनल पे देने वाला हूँ, कल सारे हेल्पलाइन नंबर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट के जितने भी हेल्पलाइन नंबर सारे मैं आपको देने वाला हूँ कल, तो इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अभी क्यों सब्सक्राइब ताकि वो सारे नंबर आपको मिल जाए, गवर्नमेंट के सभी हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। मैं आपको कल ही देने वाला हूँ और उस वीडियो को सब्सक्राइब लगाए। देखिए क्या है कि हम कोरोना का पालन क्यों नहीं करें, जो भी मेडिकल जो भी मेडिकल टीम आपको चेकअप करने आ रही है, जो भी वो डॉक्टर्स वगैरह वर्कर्स हैं, जो भी पुलिस वगैरह कर्मचारी हैं, उनका उनको आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। उनकी क्या पड़ी है क्या वो उनकी भी फैमिली नहीं है क्या, उनके भी माता पिता उनके भी बाल बच्चे नहीं क्या, वो सिर्फ आपके पीछे क्यों पड़े, वो सिर्फ आपके पीछे क्यों पड़े क्यों, क्योंकि उन क्योंकि उन क्योंकि उन्हें पूरे देश को चलाना है, उन डॉक्टर्स को पूरे देश को ठीक करना है, एक नहीं किसी किसी अपने पर्सनल को नहीं पूरे देश को सिक्योर करना है, इसलिए वो इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने उनके लिए भगड़ो कर रहे हैं। अभी देखिए डॉक्टर्स खुद मेडिकल टीम वहाँ कोरोना पॉजिटिव हुई है, मेडिकल टीम खुद और कुछ वो पुलिस कर्मी भी पॉजिटिव हुए क्यों, क्या वो उनकी फैमिली नहीं है क्या,
उनकी फैमिली तो सिक्योर है और वो खुद कोरोना पे पॉजिटिव होके भी आपका चेकअप करे, इतनी चेकअप और डर उनके अंदर, उनके अंदर मौत का डर नहीं है। और आप है कि आप तो है कि मरने का फांसी का फंदा लेके घूम रहे हो, लोगों के लिए खुद भी मर रहे हो और दूसरे को भी मार रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मचा रहे हैं, क्या वो क्या क्या मचा रहा है दूसरे को मारने में खुद मरने में क्या मचा रहा है। लॉकडाउन का पालन करो, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में लॉकडाउन का पालन करोगे तो 17 मई को खुलेगा लॉकडाउन, नहीं तो 17 मई तो छोड़ो, जिंदगी भर कभी लॉकडाउन नहीं खुलेगा, भटक घर के अंदर कैदी रहोगे जिंदगी भर में सकड़ी। एक एक जानवर जानवर को पूछो ना, जब 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 वो पिंजरे में रहता है ना, एक जानवर को उसको पूछना क्या क्या हाल होता है पिंजरे में, उस जानवर के समान आपकी हालत होगी उस दिन, जिस दिन अगर लॉकडाउन अगर नहीं खुला तो, लॉकडाउन अगर बैठा गया तो, ना अगर लॉकडाउन का पालन करते हो तो करो और इस सिक्योर बनो और इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो शेयर करो, क्या जा रहा है वीडियो शेयर में, क्या जा रहा है, क्या वो मजा रहा है, फेसबुक है इंस्टाग्राम बस शेयर कर, कोई भी आपकी फाइल है सेलेक्ट करो कि क्या चल रहा है, लॉकडाउन पालन नहीं करते हो, हमें लॉकडाउन का पालन करना है, हमें सिक्योर बनना है, क्या चल रहा है, क्या मजा रहा है, पालन करो ठीक है, सिक्योर बनो, पालन करना है लॉकडाउन का, समझ गए, सिक्योर, मैं कोई चिल्ला नहीं रहा, मैं आपको कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मेरा क्या चल रहा है, मेरा कोई मेरा मेरा क्या चल रहा है, क्या 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 मेरे भी परिवार ने, क्या मेरे भी फैमिली ने, क्या मेरा भी सब कुछ है, लेकिन मेरा क्या है, मैं एक लेकिन मैं पैसे से मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल से मैं जागरूकता फैलाऊँ, कोरोना से मेरी जागरूकता फैलाऊँ लोगों, मेरा ये मकसद है, वीडियो को शेयर करे, वीडियो को शेयर करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि जागरूकता फैले, ठीक है, थैंक यू, मैं कोई गुस्सा नहीं किया मैंने आपका, बस मैं सिर्फ जागरूकता फैला रहा हूँ, मेरा कोई आपसे पर्सनल मैटर नहीं है, और थैंक यू आपने आपने इतना समय निकाला, थैंक यू फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स सॉरी अगर मेरी बात का कोई बुरा लगा और आपको सॉरी, लेकिन बुरा हमेशा सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को बुरा नहीं लगता है, सबको लगता है सॉरी, लेकिन प्लीज, लेकिन मेरा मैं सिर्फ अपने अपने लिए नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा, मैं थैंक यू समय दिया उसके लिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और मैं कल बताऊंगा कि 17 मई को लॉकडाउन क्यों नहीं खुलेगा, मैं इसके बताऊंगा, और कुछ 17 मई को लॉकडाउन क्यों नहीं खुलेगा इसके बारे में कल अलग से कल वीडियो बना रहा हूँ कल, और मैं उसमें कुछ गवर्नमेंट की कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा, जो गवर्नमेंट के सभी हेल्पलाइन नंबर है वो सब मैं आपको दूंगा, ताकि कोरोना से अगर कोई पॉजिटिव हो जाए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए घर के अंदर, आपके अंदर अब क्या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और मैंने हांगो जो जो क्या हाँ वो सेट आरोग्य सेतु है, हाँ उसका एक ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल लिंक मैं आपको देने वाला कॉल इसी चैनल पे, इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो जो वीडियो कल बैठे वो आपको डायरेक्ट मुझे, और वो जो वीडियो है गवर्नमेंट की तरफ से ही, मेरा कोई भी नहीं, ठीक है, थैंक यू समय दिया उसके लिए।